गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्री हीरप्रा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावर। आज हम कक्षा 5 कविता तीसरी विषय हिंदी सेमेस्टर पहला। आज हम कविता पढ़ेंगे, कविता तीसरी नन्ना मुन्ना राही हूँ। उसके रचयिता है शकील बरदाउनी। आज हम ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक सिपाही देश के लिए क्या क्या कर सकता है, उसकी भावना इसमें प्रकट होती है। आपकी ही उम्र का एक बालक सैनिक बनकर देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है इस कविता में। उसकी इच्छा है कि आगे ही बढ़ते चाहे हम वक्त चाहे कितने ही बाधाएं आए, हम अपने रास्ते पे चलते हुए डर डर के नहीं चले लेकिन उसका सामना करें। फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक डटकर उसका सामना करता रहे। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी भावना ये बच्चे की भावना है। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। इस काव्य में हमें ये सिखाया जाता है कि हम भारत माता के एक नन्हे बालक हैं। हमें अपने देश की सेवा करने का पूरा अधिकार है, हमारा फर्ज है। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। यह कविता में हमें क्या बोध मिलता है? तो यह कविता में हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश के प्रेम करने की सीख मिलती है। हमें बड़े होकर क्या बनना है? एक सिपाही बनना है और अपने देश की रक्षा करना है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमारा भारत देश है, उसका दूसरा नाम है हिंदुस्तान। तो हम अपने हिंदुस्तान की सेवा करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो ये नन्हे बालक की ऐसी भावना है और इसने इस भावना को इस काव्य के रूप में रजू की है। तो अब हम काव्य शुरू करते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना एटले के नानकड़ो एवो, राही एटले के मुसाफिर छू। नानकड़ो एवो बाळक मुसाफिर छू अने देश का सिपाही हूँ। हूँ नानकड़ो एवो देशभक्ति ना मार्ग उपर चालनारो सिपाही छू। एटले बधा बोलो मेरे संग एटले के मारी साथे बोलो जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रस्ता ऊपर हूँ डरी डरी ने नहीं चालू, पण दरेक परिस्थिति नो सामनो करीस, चाहे मुझे जीना पड़े चाहे मारे भले मर मर के जीना पड़े। एटले के दरेक परिस्थिति नो सामनो करे, भले मारे केटलाय कष्टो सहन करवा पड़े, आ सहन करता करता पण हूँ आगळ चालीस। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ज्यां सुधी मारी मंजिल नहीं मळे त्यां सुधी हूँ निरातनो श्वास नहीं लो, अने आगळ ने आगळ ज मारा कदम एटले के मारा डगला चलावीस। दाइये बाइये दाइये बाइये थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही। दाइये बाइये एटले के जेवी रीते आपणे मिलिटरीमां આપણે પરેડ કરતા હોય ત્યારે આપણા પગ કેવી રીતે ડાઈએ બાઈએ થતા હોય, એવી રીતે બાળક પરેડ પણ કરતો જાય અને દેશની ભાવના વ્યક્ત કરતો જાય, એવી રીતે આપણને કાવ્ય આપ્યું છે। ત્યાર પછીની પંક્તિમાં છે, ધૂપ મેં પસીના મેં બહાઉંગા જહાં, હરે હરે ખેત લહેરાઉંગા વહાં। ધૂપ મેં પસીના એટલે કે તડકામાં ચાલતી વખતે જ્યારે હું કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરતો હોઈશ, ત્યારે તડકામાં પણ હું ચાલતો હોઈશ, ત્યારે જ્યાં મારા પસીનો એટલે કે જ્યાં મારો પરસેવો પાડીશ ને ત્યાં સરસ મજાના ખેતરો લહેરાશે, હરે હરે ખેત લહેરાએંગે। ધરતી પે પાપી ન પાએંગે જન્મ, આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ। આ ધરતી ઉપર આ ભારત માતાની ભૂમિ ઉપર એક પાપીને હું જન્મ નહીં લેવા દઉં। પાપી એટલે કે ખરાબ કામ કરનારાને,
पाप करनारा ने हूँ आ धरती ऊपर जन्म नहीं लेवा दो एवी भावना बालक व्यक्त करे छे। अने आगळ अने आगळ आगे ही आगे एटले के आगळ अने आगळ बढ़ाऊंगा कदम मारा डगला हूँ आगळ अने आगळ वधारीश। त्यार पछी छे बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। मोटो थईने बड़ा होके एटले के मोटो थईने हूँ देश ने सहारो आपीश एवो बनीश दुनिया की आंख में हूँ सरस मजानो चमकतो तारो बनीश सौने प्रिय बनीश हूँ आखी दुनिया की आंख नो तारो एटले के सौनो प्रिय बनीश हूँ मारा देश ना तिरंगा ने एटले के मारा देश ना झंडा ने हूँ हमेशा माटे ऊंचो राखीश रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। यानी हमारा देश का जो झंडा है तिरंगा है एने हमेशा माटे हूँ ऊंचो राखीश। त्यार पछीनी पंक्ति छे शांति की नगरी है मेरा ये वतन सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। शांति की नगरी एटले के बधाई शांति थी एक बीजा साथे रहे एवी नगरी एटले के एवा वतन नी हूँ स्थापना करीश मारो देश छे ई शांति नी नगरी कहेवाशे एवो हूँ प्रयत्न करीश सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन चलन यानी व्यवहार सबको एटले के बधाई ने हूँ शीखवाड़ीश के प्यार थी रहेवानू एक बीजा साथे प्रेम पूर्वक व्यवहार करवानू हूँ बधाने शीखवाड़ीश। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम दुनिया में आखा विश्व नी अंदर क्या हूँ बम एटले के एवी जातनो विस्फोट क्या हूँ करवा नहीं दू हूँ एटली मारा देश नी रक्षा करीश अने आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम हूँ आगळ ने आगळ मारा डगला छे ते वधारीश दाईए बाईए थम एटले के डाबू जमणू थम नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ ननकड़ो एवो मुसाफिर छू अने देश नो सैनिक छू। तो अहीं आपणो आ काव्य पूर्ण थाय छे। विद्यार्थी मित्रों जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको आपकी हिंदी की पाकी बुक में लिखना है। शब्दार्थ और मुहावरे दोनों आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। उसके बाद देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी आपको आपकी बुक में लिखना है। प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमने हमारा कविता पढ़ी है समझी है उसी में से हमें अपने प्रश्न दिए गए हैं जो आपको ढूंढ कर अपनी बुक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर दो में निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखना है। पहले हमें विरोधी शब्द ढूंढकर उसकी जोड़ी बनानी है। उसके बाद उदाहरण हमें दिया गया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आगे तो उसकी जोड़ी बनेगी पीछे। हमें यहाँ उदाहरण में दिखाई देता है। अब उसका उदाहरण दिया गया है वाक्य में प्रयोग करना है। कोई भी विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ऊंचा तो उसकी जोड़ी बनेगी नीचा। तो उसी तरह आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीन नीचे दिए गए शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द सामने से ढूंढे और लिखिए। पर्याय यानी समानार्थी शब्द पास में ही हमको दिए गए हैं उसमें है दो दो सोचने हैं और यहाँ लिखने हैं। जैसे राही राही का समानार्थी शब्द होगा मुसाफिर
और दूसरा होगा रा। ये दो शब्दों यहाँ आपको लिखने हैं। उसके बाद सिपाही, मुसाफिर और पंथी होगा राही का समानार्थी शब्द। उसके बाद सिपाही, सिपाही का होगा फौजी यानी सिपाही, और दूसरा आएगा सैनिक। ये दो शब्द पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह आपको तीसरा बनाना है और पांच में से ढूंढना है। उसके बाद मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती, हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। तो इस गुजराती में अनुवाद करना है आपको। हिंदी वाक्य दिए गए हैं, उसको गुजराती में लिखना है। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, इसका गुजराती वाक्य होगा पृथ्वी ऊपर पापी जन्म नहीं लेंगे। उसका गुजराती वाक्य बनाना है। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती ऊपर पापी लोगों जन्म नहीं ले सके। आ गुजराती वाक्य बनसे। ऐसी तरह आपको दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा गुजराती में अनुवाद करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर पांच, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियों कविता में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो अभी हमने कविता जो पढ़ी है उसी तरह हमें इस भावार्थ, मतलब कि इस पंक्ति में हमें कौन सा भावार्थ मिलता है वो पंक्ति हमें यहाँ लिखनी है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो अभी हमने कविता सुनी, तो ये पंक्ति क्या कैसे कहती है, हमें क्या लिखना है यहाँ? तो यहाँ आएगा रास्ते पे नहीं चलूंगा डर डर के, ये पंक्ति यहाँ लिखनी है। इस वाक्य से संबंधित पंक्ति कौन सी है? तो के रास्ते पे न चलूंगा डर डर के, ये पंक्ति संबंधित है। उसी तरह आपको दूसरा, तीसरा और चौथा बनाना है। प्रश्न नंबर छः, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहा है के रहे हैं, तो लड़के है ये क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। इसलिए जो लड़का होता तो रहा है आता, लेकिन यहाँ क्या आएगा? रहे है, क्योंकि लड़के बहुवचन है, इसलिए लड़के खेल रहे है। उसी तरह दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। हूँ यानी एक वचन की बात की है, इसलिए यहाँ आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि ये एक वचन है। आपको ये जानना है कौन सा वाक्य एक वचन है और कौन सा बहुवचन। बाद में यहाँ से कौन सा पद इसमें आएगा वो आपको सीखना है। जैसे तीसरा, आप कहाँ जा रहे? आप यानी बहुवचन, सामने वाले को हम कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आएगा? कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? अरे ये किताबों यानी बहुवचन, तो इसमें ये एक वचन है इसलिए ये नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम खाली जगह, तो हम पढ़ता है, तो वो क्या आएंगे? एक वचन। हम क्या है? बहुवचन, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम पढ़ते हैं। हम यानी बहुवचन है, इसलिए हम पढ़ते हैं आएंगे, क्योंकि पढ़ता है वो एक वचन, एक बालक की बात की गई है। इसलिए यहाँ आप अपना पूर्ण होता है सारा कविता। अब दूसरा हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।